तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वही गेट है जहाँ से शाहरुख खान ने एंट्री की थी हंसराज का। अगर दिल्ली में आपने ये जगह मिस कर दी तो बहुत सारी जगह मिस कर दोगे आप। मतलब इस जगह तो आप डेफिनेटली, कैन यू सी द प्लेस एवरीवन, रेनी वेदर, और जगह देखो आपको कितनी अच्छी। वाह, वहाँ पे एक स्विमिंग पूल टाइप में बना हुआ है, लेट मी ट्राई। एंड एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कि जो मेरा मोबाइल है वो वाटर प्रूफ नहीं है। ठीक है ठीक है, सो रिस्क ही रिस्क चल रहा है। तो आज है संडे, मुझे संडे ही मिलता है घूमने के लिए, बट आज बारिश हो रही है। मैं यहाँ पे आ गया हूँ, देखो जैसे कि आप देख सकते हो ये फेमस वन सिग्नेचर ब्रिज, और यहाँ पे है यमुना रिवर। कुछ लोग यहाँ पे फिशिंग भी कर रहे हैं, देखो आप दिख रहा होगा शायद। सो लेट्स सी वेयर आई विल गो। मैंने अभी सोचा नॉर्थ कैंपस जाने के लिए। मेरा फ्रेंड है एक, वो कह रहा था मैं नॉर्थ कैंपस में ही हूँ, बट मुझे अभी श्योरिटी नहीं है मैं उसके पास जाऊँगा या नहीं, क्योंकि मुझे कहीं और जाना है। लेट्स सी वेयर आई विल रीच। तो ये वही रास्ता है जहाँ से हम कॉलेज जाया करते थे। ये देखो क्या हो रहा है, मैंने सोचा नहीं था साइकिलिंग करनी पड़ेगी ऐसे वेदर में, बट कोई नहीं, आई एम एंजॉयिंग इट। बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पानी भरा हुआ है, लेट्स सी। ओप्स, ये देखो, तो ये सीधा रास्ता जा रहा है विश्वविद्यालय के साइड। तो अभी मैं जा रहा हूँ विश्वविद्यालय, पूरा नॉर्थ कैंपस घूमूंगा, देन आफ्टर आई विल डिसाइड टू गो समवेयर एल्स। तो ये है मेरा सेकंड बेस कैंप, एनी गेस? ओके, लेट मी टेल यू। सो दिस इज, हियर आई एम विश्वविद्यालय, जहाँ पे हमने 3 साल ग्रेजुएशन की है। मतलब यहाँ पे नहीं किया, कॉलेज साइड है, नॉर्थ कैंपस आ गया हूँ मैं। अब मैं जा रहा हूँ नॉर्थ कैंपस की साइड, सारे कॉलेज आपको दोबारा से दिखाता हूँ रेनी वेदर में कैसे लगते हैं। बट मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है विश्वविद्यालय पे, मतलब मैं नॉर्थ कैंपस आया था कॉलेज में घूमने के लिए, बट उसमें मुझे एंट्री नहीं दी थी। तो आप आई बटन दबा के वीडियो देख सकते हो वाली। सो लेट मी गो दिस साइड फ्रॉम वेयर दिस ई रिक्शा इज गोइंग, लेट्स गो। तो मैं नॉर्थ कैंपस आ रहा हूँ 2 साल बाद, वो भी अपना ओज़्मो एक्शन कैमरा लेके, रेनी वेदर विच आई लव, एंड साइकिलिंग करते हुए। दैट्स ऑल्सो समथिंग यूनिक। आई एम जस्ट इन्जॉइंग दिस वेदर, एंड दिस इज द वे विच गोज टू द किरोडीमल कॉलेज, वन एंड ओनली। अब मैं दिखाता हूँ किरोडीमल कॉलेज के सामने से कैसा लगता है कॉलेज। देखो ऐसे मैं व्लॉग बनाता हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं वो डिस्टर्ब करते हैं, आपको दिख ही रहा होगा। तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, अभी बताता हूँ, मैं इससे बात कर लूँ पहले। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था, मैं यहाँ पे किरोडीमल कॉलेज से ही पढ़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पे एक सुदामा टी स्टॉल है, ये हम 30 साल यहाँ पे चाय पीते थे जब भी हम आते थे इस वाली रोड से, बाय वॉक मेट्रो तक जाते थे, इधर मेट्रो स्टेशन, इधर से सीधा विश्वविद्यालय और रामजस कॉलेज। सो यहाँ पे है सुदामा टी स्टॉल। कैसे हो? ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ है। और चाय, वो अंकल पहले बैठते थे यहाँ पे, चाय पी लें, फिर चाय पी लेते हैं। हम किरोडीमल कॉलेज से यहाँ से जाते थे, इसका चाय का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है, चेंज नहीं हुआ। जैसा कि आप देख सकते हो, ये कुल्लड़ वाली 20 रुपीज़ की है, तो बाकी वैसे 15 रुपीज़ की है। तो मैंने सोचा था अंकल होंगे यहाँ पे, अंकल से बात होगी, बट अंकल नहीं है, तो ये भाई बैठे हुए हैं। अब एनर्जी डबल हो चुकी है सुदामा जी की चाय पी के। ये रहा किरोडीमल कॉलेज, आई डोंट नो दे विल अलाउ मी और नॉट, लेट मी जस्ट आस्क। स्पोर्ट्स ग्राउंड में जा सकते हैं? सब चीज़ बंद है,
घूमने तो जा सकते हैं वैसे ही, बंद है, ताला लगा हुआ है, मतलब बाहर ही, अंदर किसी का अलाउ नहीं है। हम तो स्टूडेंट थे पहले इसी कॉलेज के, कोई भी हो अभी अलाउ नहीं है, जब कॉलेज खुलेगा तभी अलाउ है। कब तक खुलेगा कॉलेज? कॉलेज का अभी कुछ पता नहीं, अच्छा मोदी को, मोदी सरकार को पता है। 16 तारीख को तो खुलने का वो था, फिर तो कैंसिल हो गया। इसी 16 को खुलने का था, कैंसिल हो गया। प्रोफेसर वगैरह टीचर कोई नहीं आ रहे? नहीं, टीचर कॉलेज में। अच्छा, क्लासेस ऑनलाइन चल रही है? चलो ठीक है अंकल, थैंक यू। तो ये अलाउड नहीं कर रहे हैं जैसे भी करके, मैंने लास्ट टाइम भी ये ट्राई किया था, बट अभी वैसे भी अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी गार्ड को। ये वो जगह है जहाँ पे हम फोटो स्टेट वगैरह कराते थे, ये अभी तो बंद है। अच्छा, इसे ऐसे ही लेके जाओ। साइकिल ला, आप थोड़ी आगे कर लो, हाँ बढ़िया है ये, फिर फोटो। सचिन भाई थोड़ा सा इधर। सब समझ जाते हैं, रुक जाते हैं सब। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वही गेट है जहाँ से शाहरुख खान ने एंट्री की थी हंसराज का। आप सोच रहे होंगे शाहरुख खान ने कहाँ से, बट इट इज़ रियल। एक बार फेस्ट था यहाँ पे हंसराज कॉलेज का, तो हम मतलब शाहरुख खान यहीं से आया था और बाकी लोग यहाँ से पेड़ों पे चढ़ चढ़ के देख रहे थे उसे। अगर आप इस साइड से आगे जाओगे तो एक और गेट है हंसराज कॉलेज का, तो हमने तो उधर से एंट्री की थी। मेरा बेस्ट था 2015 से 18, तो उस टाइम पे बहुत सारे फेस्ट हुआ करते थे, अभी हुआ करते हैं, बट अब तो बस यादें ही रह गई हैं। दिस इज़ हंसराज कॉलेज, वी यूज टू कम हियर विद फ्रेंड्स। अभी किसी भी कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि सब ऑनलाइन चल रहा है। मेरे कॉलेज के बहुत सारे फ्रेंड यहीं रहते थे, बट अभी वो लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घर चले गए हैं। बाकी अंकित तोमर यहीं पे था, मैंने कॉल की थी, बट अभी उसका नंबर आउट ऑफ सर्विस जा रहा है, तो मैं देखता हूँ, अगर मैं कॉल करता रहूँ, अगर उठा लिया तो मैं उसके पास जाऊँगा। चलो मैं जाता हूँ आगे इस साइड जहाँ पे मुझे जाना था। अभी तक आपको शायद पता ही नहीं चला होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट अब पता चल जाएगा, सो लेट्स गो। तो ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, मतलब अभी तो नहीं दिख रहा, आगे से देखना आपको दिखेगा, बोंटा पार्क। यहाँ पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगेन यू कैन क्लिक ऑन आई बटन, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा यहाँ पे। स्पीड मैं आज वॉच चलाना भूल गया हूँ, नहीं तो आपको स्पीड दिखाता मैं कितनी स्पीड से ये साइकिल चल रही है। यहाँ पे स्लोप है इसीलिए थोड़ी स्पीड बढ़ रही है साइकिल की। तो पानी आ गया है कैमरे की लेंस पे, एक सेकंड मैं पानी हटाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने गलत साइड में साइकिल मोड़ ली है, मुझे जाना है इधर से वापस लेके उधर स्ट्रेट, मतलब उधर से ये जो दिख रहा है आपको। सो ये साइकिल, चलो वापस चलते हैं उधर घूम के, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये मैं जा रहा हूँ रेड फोर्ट के आगे से, सामने से ही। मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, शायद वो पीछे रह गई, हाँ पीछे ही रह गई है। पीछे चांदनी चौक में एक बिल्डिंग बन रही थी, उसके बारे में मैं बताना भूल गया। वो बन रही थी बट उसको कंस्ट्रक्शन के लिए रोक दिया और वो टूट रही है। उसमें अभी तक 20 लाख के अप्रोक्स लग गया है पैसे, तो दैट आई मस्ट टेल यू, अगर मैं इसी रास्ते से आया तो आई विल टेल यू डेफिनेटली। तो ये है DCP ऑफिस और इसके सामने है दरियागंज की मार्केट। मुझे बुक्स भी लेनी थी बट जैसे कि बैग, बारिश अभी तक आ रही है तो मैं बुक्स भी नहीं ले सकता। सो दिस इज़ द मेन गेट फ्रॉम वेयर आई जस्ट केम, मैंने वहीं पे साइकिल पार्क कर दी है और ये यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ से भी एंट्री है, एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज। तो यहाँ से मैं यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है बाकी मैं आपको बताता हूँ। तो बाकी आपको ये पढ़ना है तो यू कैन रीड इट, यू कैन पॉज इट। और यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर विजिटर्स, यस। तो मैं ट्राई करूँगा यहाँ से सारा कवर करते हुए,
देन आई विल गो दैट साइड। आपने मेरी लास्ट टू वीडियोस देखी होंगी, नेहरू पार्क, वन मोर प्लेस, डियर पार्क। यस, जो वेदर था लास्ट टू वीडियो में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, उसकी वजह से पसीने आ रहे थे बहुत ज़्यादा। आपने इस जगह की रेयर ही वीडियो देखी होंगी, तो मैं इसीलिए आज सोच रहा था कोई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं आ गया हूँ फिरोजशाह फोर्ट, और इसके पास ही फिरोजशाह कोटला का स्टेडियम है जहाँ पे मैचेस होते हैं। आई थिंक वो इंटरनेशनल ग्राउंड है शायद। इधर से रास्ता है क्या? नो मुझे उधर से, जहाँ से आया मैं उधर से वापस जाना पड़ेगा। मैंने दो तीन जगह और ट्रैवल करने के लिए सोचा था आज, बट बारिश की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया है। कोई नहीं, वाव, रेनी इज़ माय फेवरेट वेदर, इट्स माय गुड लक दैट टुडे ऑन संडे इट्स रेनिंग। यहाँ पे जो भी बोर्ड लगे हुए हैं उनकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आपको जो भी इसका इतिहास, हिस्ट्री, जो भी आपको जानना है तो उस लिंक पे क्लिक करके यू कैन ईजीली रीड इट। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग यू मस्ट, मुझे तो लगता है ये दिल्ली में इतनी पास, आई थिंक मेरे घर से ही 20 किलोमीटर दूर है, तो अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। अब मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ, देखता हूँ किधर से रास्ता है, शायद आगे से, फिर उधर से ऊपर से, ड्रोन से नहीं मतलब एक्शन कैमरे से ही वीडियो बनाऊँगा। ड्रोन ही जल्दी ही लेने वाला हूँ मैं, आई थिंक इन दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा ही ड्रोन लूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं अभी तक ले लेता। एंड येस, वन मोर थिंग, अगर आपको वो दिख रहा है कि फिरोजशाह कोटला का स्टेडियम है जहाँ पे मैचेस होते हैं, ये रहे, ये देखो यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। So this is the place where people perform namaz, and that is why shoes utar ke aane padte hain yahan pe. Agar pani ke liye yahan pe hai, main idhar se ghoom ke udhar jata hu. I wish mere paas ek drone hota to main yahan pe hawa mein uda ke aapko dikhata yahan ki location kitni achhi lag rahi hai. Agar aap rainy weather mein aaoge to aapko isse acha koi weather nahi hai yahan pe place pe ghoomne ke liye. कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये बेस्ट प्लेस लगा है, ये देखो, वाओ। आई विल मेक सम रील्स एंड यू कैन चेक ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, आई हैव टू पेजेस, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एवरीबडी। As you can see here, it's written Jami Masjid. This mosque built by Firoz Shah Tughlaq in AD 1354. आप पढ़ सकते हो ये भी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लोग ताले लगा के, लॉक लगा के जाते हैं, जिससे यहाँ पे लोग सोचते हैं, बाकी लगता है लोगों को कि यहाँ पे विशेष पूरी होती है लोगों की, यहाँ पे जिन रहा करते थे पहले, पीपल बिलीव दैट जिन रहा करते थे यहाँ पर, तो यहाँ पे लोग आते हैं अपना धागा वगैरह जो भी विश होती है वो लिख के चले आते हैं, या आते हैं तो यहाँ पे मस्जिद में नमाज भी पढ़ते हैं लोग, तो ऐसा लोगों को लगता है। ये जो आपको सामने पेड़ दिख रहा है, ये लोग कहते हैं 200 से ज़्यादा साल पुराना है, और वो ये वो पेड़ है जो बहुत पुराना है, देख के पता लग रहा होगा, ये देखो।
सी देख रही है देखो कि अंडे सेफ है या नहीं। दैट्स रियली नाइस। मैंने पहली बार देखे हैं इन बर्ड्स के अंडे। मुझे आज DSLR लाना था वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि इसमें जूम इन जूम आउट तो हो नहीं सकता, बट दैट्स ओके। आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द प्लेसेस सो दैट यू कैन सी एंड यू कैन डिसाइड डू यू वांट टू कम हियर और नॉट। तो यहाँ से जहाँ से मैंने एंट्री की थी, मैं उधर से घूम के आ गया था, मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ। सो कूल प्लेस। So this was all about this video, everyone. Thank you so much for watching. Stay tuned for upcoming videos. Soon I am going to visit some places. Next Sunday, it's 15th of August. So I'm milunga main patang udate hue. So this was all, everyone. Thank you so much for watching this video. Nice structure made by people. Firoz Shah Tughlaq. रोशा कोटला स्टेडियम बना हुआ है जो वो इसी के नाम पे बना हुआ है। और ये आपको तो मेरी साइकिल तो सेफ है यहाँ पर। भारत